भाजपा मंडल दिनारा के द्वारा मंडल कार्य समिति की बैठक फूल माता मंदिर के पास स्थित गणेश वाटिका में संपन्न हुई। इसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रादेशिक कार्यालय से दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप विभिन्न जानकारियां मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों को दी गई। कुछ जिम्मेदारियां बूथ अध्यक्षों के लिए तय की। इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी मंच में उपस्थित सभी अतिथियों ने अपनी बात रखी, जिसमें पार्टी की रीति नीति और कार्यशैली पर विशेष जोर देते हुए संगठन के दिशा निर्देशों पर चलने हेतु कार्यकर्ताओं को बात कही गई एवं पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम रूपरेखा तय की जाती है। भारत सरकार का मुफ्त टीकाकरण अभियान को 100% सफल बनाना है, इसको लेकर वार्ड स्तर पर घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान चलाने का पौधारोपण कर सभी सदस्यों ने एक साथ संकल्प लिया। जिस कार्यकर्ता की कोरोना से मृत्यु हुई उन सभी के लिए कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इसके बाद वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया। अब जनसंख्या निर्माण कौन हुआ है साफ है, क्योंकि इसके बारे में हम जाएंगे तो लंबा समय लगेगा। लेकिन देश के विभाजन जब हुआ, देश के बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे के समय जिस प्रकार से मार काट पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई है, हमारे सिख थे, वहां पर हमारे जैन समाज के लोग थे, बौद्ध समाज के लोग थे, उन लोगों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, हमारे देश में जो घटना पाकिस्तान में घटी, तो उस समय भी हमारे यहाँ जो भाई की घटना उनके साथ भी घटी, उसको लेकर जो दृश्य सामने आता है, उसको अध्ययन करते हुए देखने में आता है कि हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया, काटा गया। मैं आपका क्या संदेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निरंतर हमारी प्रक्रिया रही है कि संगठन को लगातार बैठकों के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और बैठकों के माध्यम से नीचे के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हमारे जो मंडल हैं, हमारे ग्राम केंद्र हैं और मतदान केंद्र की जो टीम को मजबूत करना। इस बार पहली बार हुआ कि देश के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति के पैटर्न पर जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति करने का निर्णय लिया है। आपने अभी देखा भी होगा, पहले मंडलों की हमारी बैठकें होती थी, घंटे दो घंटे के लिए बैठकें होती थी, लेकिन इस बार का स्वरूप बदला हुआ है। इस बार जो हमारी मंडल कार्य समिति की बैठकें, उसमें 4 सत्र हमने किए और 4 सत्रों के विषय हमारे अलग अलग हैं। समय अनुकूल जो विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस विषय पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विचार को रखा है। एक सेवाई संगठन भाग दो, जिस प्रकार से कोरोना के संकट काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा का काम किया, वो विषय हमने रखा है। देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना के संकट काल में मुकाबला किया, लोगों को सुविधाएं देने का काम किया, वो विषय हमने रखा है। इसके साथ साथ हमने ये भी रखा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और विपक्ष के दल के लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना के संकट काल में